मैंने इसे दोनों हाथों में इतना जोर से दबा कर रखा है मानो कोई हेवी सा वजन इसके ऊपर हो, लेकिन फिर भी ये अपनी प्रॉपर साइज और शेप में आ जाएगा, इतना ज़्यादा ये स्पंजी बनेगा। ढोकला में आने वाली मिस्टेक्स, जैसे कि ढोकला नहीं बनता लेकिन उसकी बर्फी सी जम जाती है, ढोकला का ऊपर का सर्फेस एकदम फटाफटा सा बनता है, हल्दी इतनी कम यूज़ करते हैं फिर भी रेड स्पॉट आ जाते हैं, ढोकला बीच में सिंक हो जाता है, कच्चा कच्चा ढोकला लगता है, बेसन बेसन सी टेस्ट आती है, डेंस होता है, ड्राई हो जाता है। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो मैं वीडियो में आपको बता ही दूंगी, साथ ही साथ ढोकला के साथ सर्व की जाने वाली चटनी की रेसिपी भी वीडियो में इंक्लूड की गई है। अगर आपको घर बैठे अपना कोई फूड बिजनेस चलाना हो या ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ये ढोकला बनाना हो किसी पार्टी के लिए या जब मेहमान आए तब, 1 kg का परफेक्ट नाप भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। और आपकी इस मुश्किल को और भी ज़्यादा आसान करने के लिए हम आज इसे डायरेक्टली मिक्सी जार के अंदर बनाएंगे, जिससे आपको बनाना बेहद ईजी लगे। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में मेज़रमेंट ग्राम्स में भी मिलेगा, 1 kg के लिए भी मिलेगा और जो मेज़रमेंट से मैं बना रही हूँ वो भी मिलेगा। तो यहाँ मैंने 1 कप जितना बेसन लिया है, बेसन को मैंने छाना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है छानने की, थोड़ा सा मैं लेवल करके बता दूँ तो मेज़रिंग कप में अगर देखेंगे तो लेवल करके थोड़ा दबा कर ये 1 कप जितना आ जाता है, ग्राम में देखेंगे 120 ग्राम है, 1 kg का मेज़रमेंट ऊपर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ एक मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में बेसन डालने से पहले कुछ इन्ग्रीडियंट्स हमें मिक्स कर लेने होंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें तेल, तेल में यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये किसी भी फ्लेवर का आप यूज़ ना करें, मतलब मस्टर्ड ऑयल नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल गुजराती खमन ढोकला की बात की जाए तो उसमें मूंगफली तेल का इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर आपके पास नहीं हो तो आप रिफाइंड सोयाबीन तेल या फिर तो रिफाइंड सनफ्लावर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 tablespoons जितना ऑयल हमें लेना है, टेबलस्पून वाली स्पून नहीं है, घर की नॉर्मल नाश्ते वाली चम्मच से अगर नापेंगे तो 1 tablespoon में 3 चम्मच जितना तेल बैठता है, इसी का मतलब नॉर्मल घर की चम्मच से 6 चम्मच तेल डालना और टेबलस्पून से 2 tablespoons। ऑयल हम डाल चुके हैं, अब डालेंगे बिल्कुल 1 चुटकी जितना हींग, वैसे हींग डालना ऑप्शनल है। खमन ढोकला के अंदर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी हम डालेंगे 3 teaspoons, टीस्पून से देखेंगे तो 3 teaspoons और अगर नॉर्मल घर की स्पून से देखेंगे तो लेवल करके 3 चम्मच चीनी हम डाल चुके हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा संभाल कर हल्दी हम डालेंगे 1/8 teaspoon, 1/8 teaspoon मतलब चुटकियों में बताती हूँ, ये देखिए ये 1 चुटकी और ये वापस से दूसरी चुटकी। बस हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ढोकला के ऊपर रेड स्पॉट बनते हैं, ये सही है, लेकिन इसका और एक कारण है रेड स्पॉट बनने का, वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। सिट्रिक एसिड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, 2 forms में मिलता है, एक आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा है और एक तो बिल्कुल शक्कर की तरह नज़र आ रहा है। दोनों में से आपको जो भी मिले क्वांटिटी दोनों की एक ही होगी, दोनों के रिजल्ट सेम ही है, सिट्रिक एसिड ही यूज़ करना है। इसके अलावा और कई ऑप्शन होते हैं, जैसे दही यूज़ कर लिया, इनो यूज़ कर लिया, लेमन जूस यूज़ कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट से जाना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से जाना चाहते हैं तो सिट्रिक एसिड ही आपको यूज़ करना होगा। ओके, तो सिट्रिक एसिड टीस्पून वाली चम्मच से अगर नाप के डालेंगे तो 1 teaspoon आपको डालना है, 1 teaspoon, और अगर घर के नॉर्मल स्पून से डालेंगे तो ये देखिए लगभग आधा चम्मच जितना सिट्रिक एसिड, ये डाल दीजिए इसके अंदर। अगर आप ढोकला में थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, तो 1 हरी मिर्च में डाल दूँ, ये तीखी है इसलिए, और आधा इंच जितना अदरक। और एक चीज़, ढोकला में सूजी कॉर्नफ्लावर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बेसन का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ हमें 2 tablespoons पानी भी मिलाना है, एक बार हम इसको चला लेते हैं, पानी डालने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। फिर अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, बेसन को छानने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में मैंने सारा बेसन डाल दिया, एक बार चला लेती हूँ। ओके, तो ये भी मिक्स हो चुका है, अब हमें इसमें डालना है पानी। पानी मैंने उसी कप में लिया है 1 कप जितना, लेकिन इतना हमें नहीं लगने वाला, तो आधा कप जितना पानी मैंने डाल दिया, हम इसको चला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर एकदम बढ़िया से स्मूथ सा तैयार हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, अगर ये मिक्सचर बिल्कुल पतला हो, मतलब जो ढोकला बैटर एंड में जो बनने वाला है वो अगर आपने थोड़ा सा पतला बना दिया है तो इससे बनने वाला ढोकला जो है वो उसकी ऊपरी सतह एकदम फटी फटी सी बनती है। फ़र्क देख रहे हैं आप दोनों में, कुछ इस तरीके के ढोकला ऊपर से बनेगा और जिसको कुक होने में भी समय लगेगा, आधा घंटा बीत जाएगा लेकिन ये प्रॉपरली कुक नहीं होगा, तो बैटर ज़्यादा पतला ना बनाए। तो ये बैटर बिल्कुल तैयार है, बैटर फेंट लेने के बाद, मतलब इतना हमने मिक्सी में चलाया है तो थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी है, तो अब इसे रेस्ट पर मैं रख रही हूँ, तब तक मैं आपको फटाफट से चटनी बता दूँ। मैंने यहाँ एक मिक्सी जार लिया है, इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें, 1/2 इंच जितने अदरक के छोटे टुकड़े, 1 मुट्ठी धनिया,
आधा चम्मच जितनी चीनी, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा पानी और इस चटनी को थिकनेस देने के लिए इसमें डाला जाता है ढोकला ही, क्योंकि ढोकला के साथ सर्व की जाने वाली चटनी है, तो ढोकला के थोड़े से पीसेस इसमें मिलाकर इस चटनी को थिक किया जाता है और बस इसको ब्लेंड कर लेना है। इसमें लेमन जूस भी डाला जाता है। वैसे देखा जाए तो इस चटनी में पुदीना का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि फिर ये सैंडविच चटनी की तरह लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। अगर आप डालना चाहो पुदीना तो बहुत थोड़ा सा, कुछ सिर्फ 4 या 5 पत्ते डाल सकते हो हल्के हल्के फ्लेवर के लिए। बस चटनी तैयार है और इसको तड़का भी नहीं लगता, एज इट इज़ ये ऐसे ही सर्व की जाती है। ओके, तो अब हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है, उससे पहले हम स्टीमर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 ग्लास जितना पानी डालना है और एक रिंग मैंने नीचे रख दी है। इसे हम गैस के ऊपर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख देते हैं। जिस टीन में आपको ढोकला स्टीम करना है उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिए। बटर पेपर लगाना चाहो नीचे तो आप लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो ओके है। ओके, तो ये काम भी हमारा हो गया। अब बैटर को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो एक बात और क्लियर कर दूं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम हल्दी यूज़ की लेकिन फिर भी उसके ऊपर रेड स्पॉट आ जाते हैं। हल्दी ज़्यादा यूज़ करने से तो आते ही हैं, लेकिन और एक कारण ये है कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में बेकिंग सोडा इसमें यूज़ कर लेते तब भी आते हैं। उससे एक तो सोपी टेस्ट डेवलप हो जाएगा ढोकला के अंदर, या फिर तो थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है जो ज़्यादा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से होती है। बहुत प्रॉपर रेशियो से आपको जाना है। तो अगर हमने सिट्रिक एसिड 1 टीस्पून यूज़ किया है तो उसके लिए बेकिंग सोडा हमें केवल 3/4 टीस्पून ही यूज़ करना है। टीस्पून वाली स्पून में मैंने लिया है जिसको मैंने पूरा नहीं भरा, ये 3/4 टीस्पून है, और अगर नॉर्मल स्पून से देखेंगे तो आधे चम्मच से थोड़ा कम है। ये जैसे ही मैंने डाला, ये देखिए ये है हमारे बैटर का लेवल। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स पानी मैं इसके ऊपर डाल दूँ, थोड़ा सा चला है, बस थोड़ा सा। ये देखिए बैटर एकदम फूल कर बिल्कुल डबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा फोमी हो चुका है। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, जल्दी से हम यहाँ पर डाल देते हैं टीन के अंदर। ढोकला का फूलने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक इसी स्टेज पर हो जाता है, इसलिए ढोकला बहुत ज़्यादा नहीं फूलने वाला। इसलिए टीन को भरते वक्त 3/4 आप भर सकते हो, एकदम आधा खाली रखेंगे टीन को तो ढोकला को हाइट अच्छी नहीं आएगी, याद रखिएगा इस बात को। अभी ढोकला फूलेगा लेकिन थोड़ा सा ही फूलेगा, और इसे स्टीम होने के लिए हम रख देंगे। ये मैंने रख दिया, ढक देना है, और ढक कर हमें इसको टोटल हाई फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए कुक करना है। बीच में अगर गलती से भी आपने एक बार खोलकर चेक कर लिया, मतलब एकदम तुरंत 5 मिनट बाद आपने चेक कर लिया बन रहा है या नहीं ठीक से, मतलब वो ढोकला के राइज होने का समय और उसी समय आपने उसको खोल लिया, एकदम से ठंडी हवा कढ़ाई के अंदर चली जाएगी, ढोकला फूलते फूलते नीचे चला जाएगा, इसलिए वो प्रॉपर से फूलता नहीं है। आप कहते कि अच्छे से फूला नहीं, या वो प्रॉपर जाली नहीं बनी, बीच में गड्ढा सा पड़ गया, जो सिंक हो जाता ना वो बीच में, वो इसी वजह से होता है। तो 10-12 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं खोलना उसको। तो ये देखिए पूरे टोटल 15 मिनट हो जाने के बाद अब ये ढोकला का रिजल्ट है हमारे सामने, बहुत बेहतरीन। ढोकला तो अच्छे से कुक हो चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन इसी गर्म कढ़ाई में बस 2 मिनट के लिए मैं इसको ढककर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ। तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना तेल गर्म कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के राई का दाना, और अगर आपको सफ़ेद तिल डालना पसंद है तो ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। थोड़ा सा इसे चटकने देना है, फिर हम इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते और मिर्चें हैं जिसके छोटे बड़े टुकड़े मैंने करके ये डाल दिए। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। पानी कितना डालना है ये भी बहुत ज़रूरी, तड़के में जो पानी इस्तेमाल होता है ना वो कितना डालना है ध्यान से देख लीजिएगा। 1 कप हमने बेसन लिया था ना, तो 3/4 कप जितने पानी का हम यूज़ करेंगे, मतलब उतने पानी का तड़का बनेगा। तो ये देखिए पानी मैंने डाल दिया, अब पानी में बॉईल आ रहा है, हम इसके अंदर मिला देते हैं 1 चम्मच जितनी चीनी, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून जितना लेमन जूस। एक बॉईल आने का आपको इंतज़ार करना है, बस बॉईल आ जाएगा आप गैस को बंद कर दीजिए। तो हमारे पास तड़के वाला पानी तैयार है। 1 kg मेजरमेंट के लिए कितना पानी लगेगा तड़के के लिए उसका मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर है, आप नज़र रख सकते हैं। पानी को हल्का सा ठंडा कर लेना है, इतना ज़्यादा गर्म गर्म पानी हम पोर नहीं करेंगे, इससे भी इतना अच्छा बना है आपने ढोकला वो टूट सकता है। थोड़ा पानी को ठंडा होने देना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैं ढोकला भी डीमोल्ड कर लेती हूँ। ढोकला का जो टीन है मैं हाथ में पकड़ पा रही हूँ, इतना ही आराम से मतलब ठंडा हो चुका है, बस इसे डीमोल्ड कर लेना है। ये देखिए गाइस बहुत बेहतरीन जाली पड़ी है ढोकला के अंदर, कितना सुपर्ब ये बना है ना मैं कह नहीं सकती आपको। टेस्ट में तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इतना बढ़िया बनेगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि शॉप पे मिलने वाला ढोकला आपने खुद घर पर इतनी इजीली बना लिया। ओके, तो अभी मैं इसको काट रही हूँ।
मैं इसको काट रही हूँ, ऊपर की सतह तो थोड़ी ठंडी हो चुकी है लेकिन बीच में अभी भी हल्का गर्म है, तो बिल्कुल सही समय है ढोकला को पानी पिलाने का। तो इसके ऊपर आप तड़के वाला पानी डाल दीजिए। तड़के वाला पानी सोख होने में ढोकला में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट के अंदर पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप ढोकला को चटनी के साथ, मिर्च के साथ सर्व कर सकते हैं। आपका मज़ेदार ढोकला बनकर तैयार है। 1 kg का मेजरमेंट भी आपको मिल गया होगा। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।